हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज मनीष कुमार एंड इन दिस वीडियो वी विल नो हाउ टू फिल द केस टेबल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केस के इंग्लिश में फोर काइंड्स होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। लेकिन इस केस टेबल में हम फर्स्ट थ्री काइंड्स ऑफ केसेज का यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, एंड फोर्थ जो काइंड है केस का, वोकेटिव केस, उसके जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जिसकी संख्या 7 है वो इस प्रकार है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। इन 7 प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से हम सब जानते हैं, और ये 7 पर्सनल प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस के कॉलम में दिया गया है। इसी का फॉर्म जब हम अलग अलग केसेस में यूज करते हैं तो केस टेबल के अंतर्गत आ जाता है। तो इन 7 पर्सनल प्रोनाउंस का फॉर्म ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अलग अलग होता है। तो इसी को फिल करना इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये केस का जो टेबल है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला है नॉमिनेटिव केस का कॉलम, जिसके नीचे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये 7 पर्सनल प्रोनाउंस लिखा गया है। नेक्स्ट कॉलम है ऑब्जेक्टिव केस का, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो पोजेसिव केस का। इस पोजेसिव केस का फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जो पहला है पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन। यानी पोजेसिव केस का 2 काइंड्स हो जाएगा यहाँ पे, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है नॉमिनेटिव केस का, जिसमें 7 पर्सनल प्रोनाउंस दिया गया है, इसी का डिफरेंट केस में जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसके बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे। तो पहला है आई। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस में फॉर्म होता है मी। पोजेसिव केस के पोजेसिव एडजेक्टिव में इसका फॉर्म हो जाता है माई। माई पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है। फिर पोजेसिव प्रोनाउन में होता है माइन, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है माई सेल्फ। नेक्स्ट फिर नॉमिनेटिव केस का सेकंड जो है प्रोनाउन वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है आवर, और पोजेसिव प्रोनाउन में आवर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्फ जो होता है। क्योंकि वी प्लुरल नंबर में है इसलिए सेल्फ का प्लुरल सेल्फ जो होता है, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, तो सेल्फ का प्लुरल सेल्फ जो होता है। नेक्स्ट प्रोनाउन है यू। यू का फॉर्म देखते हैं, यू का ऑब्जेक्टिव केस में होता है यू, और पोजेसिव एडजेक्टिव में योर होता है। पोजेसिव प्रोनाउन में फॉर्म होता है योर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों होता है। चूंकि यू सिंगुलर एंड प्लुरल बोथ फॉर्म में यूज किया जाता है, तो जब सिंगुलर फॉर्म में यू रहेगा तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा, और जब प्लुरल सेंस में आएगा तो योर सेल्व्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रोनाउन है ही। ही का ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म होता है हिम, और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है हिज। इसका पोजेसिव प्रोनाउन हिज ही रह जाता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिम सेल्फ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, और पोजेसिव प्रोनाउन में हर्स हो जाता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म इट्स होता है, और पोजेसिव प्रोनाउन में इसका कुछ नहीं होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इट सेल्फ हो जाता है। क्लियर है।
अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो प्रोनाउन है दे, जो थर्ड पर्सन का प्लुरल होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। दे का पोजेसिव एडजेक्टिव में दियर हो जाता है, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन दियर्स होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ होता है। तो इस तरह से ये 7 पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग केस वाइज टेबल में डिफरेंट फॉर्म्स को सीखे, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो नॉमिनेटिव केस है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो हमेशा वर्ब के पहले किया जाता है। नॉमिनेटिव केस हमेशा वर्ब के पहले यूज होता है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में जो भी फॉर्म्स है ये सब वर्ब के बाद यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और नॉमिनेटिव केस वर्ब के पहले यूज होता है एज ए सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट के रूप में, क्लियर है। अब इधर पोजेसिव केस में चलते हैं, तो पोजेसिव केस में दो है, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। तो इन दोनों का यूज कहाँ होता है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, माय, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, ये जितने भी ये कॉलम में प्रोनाउंस दिए गए हैं ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन का प्रयोग किया जाता है, ये फिक्स है। ये हमेशा याद रखना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, जैसे माय पेन, मेरा कलम, आवर स्कूल, हमारा स्कूल, योर बुक, तुम्हारा किताब, हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, हर हस्बैंड, उसके पति, है ना, इट्स लेग, इसकी टांगे, ठीक है, दियर वर्क, उन लोगों का काम। तो यहाँ कोई ना कोई नाउन इसके बाद आता ही है, अगर इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा, इसका प्रयोग कभी भी अकेले नहीं किया जाता है। वही पोजेसिव प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन के बाद यूज किया जाता है, ठीक है, इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे दिस इज माइन, यह मेरा है, या दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे माइन सेंटेंस के एंड में हुआ है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सेंटेंस के एंड में करते हैं, इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आ जाएगा, जैसे, ठीक है, जैसे माइन इज गुड, मेरा अच्छा है, तो यहाँ पे माइन इज गुड इस तरह से हुआ है, ठीक है। योर्स इज बैड, तुम्हारा खराब है, तो यहाँ पे योर्स सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब नाउन की बात आएगा तो नाउन के बाद इसका प्रयोग होगा, इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, क्लियर है। जैसे दिस स्कूल इज आवर्स, दैट पेन इज योर्स, दिस बैग इज हिज, दैट टॉय इज हर्स, दैट फील्ड इज दियर्स, तो इस तरह से पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और पोजेसिव एडजेक्टिव में दिस इज माय पेन, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज योर पेन, तो यहाँ पे आवर स्कूल, स्कूल नाउन आ गया, माय पेन, तो पेन यहाँ पे नाउन आया, तो इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन का प्रयोग जरूर होता है। और इधर ये जो सेल्फ प्रोनाउन है इसका हिंदी होता है अपने आप को या खुद को, जैसे मैं खुद को मजबूत करना चाहता हूँ, आई माई सेल्फ वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इस तरह से हम लोग सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये पर्सनल प्रोनाउन के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं केस वाइज, ये केस टेबल के माध्यम से आप लोग सीख गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।